मध्य प्रदेश के खिरकिया किल्लोद ब्लॉक का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। सुविधा और सुंदरता के मामले में इसका फिलहाल शोर नहीं है। यहाँ के प्रभारी सभी कार्य बेहद गंभीरता के साथ करते हैं ताकि आने वाले ग्रामीण जनों को किसी तरह की असुविधा ना हो, बल्कि उनका मन भी यहाँ आते ही खुशी से खिल उठे। प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अगर 5 एकड़ जमीन मिल जाए तो पूरी सुविधा वहाँ उपलब्ध हो सकती है, मगर सभी जगह जगह का अभाव रहता है। मगर प्रदेश का एक ऐसा भी स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर जगह की कोई कमी नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं खंडवा जिले के अंतिम छोर व हरदा जिले के पड़ोसी किल्लोद ब्लॉक का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ की व्यवस्थाओं को BMO के द्वारा विशेष रूप से सुधारा जा रहा है। वे हर पहलू पे अपना ध्यान आकर्षित कर गंभीरतापूर्वक काम करते हैं। यहाँ पर आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिले, इस बात के प्रबंध भी लगातार किए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि यहाँ बेहतर स्वास्थ्य प्रबंध व्यक्ति को उपलब्ध हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर काफी पर्याप्त जगह है। जब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किल्लोद का निर्माण हुआ है तभी से लगभग सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं। अब वर्तमान में उद्यान तैयार हो गया है, अलग अलग किस्म के पौधे लगाए गए हैं। वहीं NRC में बच्चों के लिए झूले व फिसल पट्टी भी लगाई गई है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। यहाँ पर मरीजों को बैठने के लिए कुर्सियाँ भी लगाई गई है। सुविधाओं को लेकर इजाफा किया गया है कि 1.5 साल पहले जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का चार्ज हमें मिला था, उसके बाद में मरीजों को देखा गया कि बैठने की सुविधा नहीं थी, गार्डन नहीं था। इसके बाद में हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे लाइट एक नहीं रहती थी, 24 घंटे मरीजों को सुविधाएँ नहीं मिल पा रही थी। तो इन सब सारी चीज़ों में हमने काम करते हुए आज हमारे मरीज को 24 घंटे इलाज मिल रहा है, बैठने की यहाँ अटेंडर के लिए सुविधा है, प्रसूति सहायता महिलाओं को 2 टाइम नाश्ता खाना चाय बराबर मिल रहा है, NRC हमारी है, NRC में सब प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कायाकल्प जो अभियान होता है उसके तहत भी हमने सारा काम किया, जिसके लिए हमको राज्य स्तर से भी सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका पहले ये गार्डन भी नहीं था, इस टाइम से तो ये गार्डन भी हमने पर्यावरण के लिए गार्डन भी इसको डेवलप पूरा करा है। पानी की टंकी की साफ़ सफाई और सारी व्यवस्थाएँ कलर, इसके बाद पूरा कमरा है, जो हॉस्पिटल है जो कि कैमरे पूरे सब जगह कैमरे चालू करवाए हैं। इसके बाद इमरजेंसी सुविधा के लिए हमने राजा जिले से मांग करके यहाँ पे मॉनिटर वगैरह की व्यवस्था की है। पेशेंटों के लिए जो है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके बाद में बाकी सारी सुविधाएं जो भी हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं मरीज के लिए, वो सारी है हमारे पास। और उसके लिए हम सतत कमी की होती है तो उसके लिए सतत हम प्रयास करते हैं कि वो सुधारी जाएँ और लगे हुए हैं हम इस कार्य के लिए। दोपहर न्यूज़ के लिए खिरकिया किल्लोद से सुनील मालाकार की रिपोर्ट।